अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसे हैं? तो आज मेरा सेकंड व्लॉग है। कल का व्लॉग मैंने डाला था, बहुत छोटा सा बनाया था, मिनी व्लॉग। तो कुकिंग से रिलेटेड ही आज मैं कुछ चीज़ डालूंगी, तो मैं बनाऊंगी और आप लोग देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं, मैं बनाती हूँ और आप देखिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिए चिकन, जिसको मैंने कर लिया है बॉयल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये पास्ता लिया है और इसको बॉयल कर लिया है, और मुझे चाहिए होगी क्रीम। तो बहुत सिंपल तरीके पे बनाऊंगी, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ और आप लोग देखिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है और उसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी ऑयल, ठीक है। ऑयल डालने के बाद जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैंने इसमें डालनी है चिकन। चिकन डालूँगी मैं, जो मैंने बॉयल की हुई थी। बहुत इजी मेथड है और बहुत जल्दी बन जाएगा। ना इसमें आपको वाइट सॉस बनाना है, ना कुछ बनाना है। तो आप देखिए चंद इन्ग्रीडियंट से आपका पास्ता कितनी जल्दी बन के तैयार होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको सौते करूँगी, ठीक है। वैसे तो ये बॉयल है, और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट एंड पेपर। तो यहाँ मैंने हल्का सा यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया, क्योंकि जब मैंने पास्ता को बॉयल किया था तो उसमें भी सॉल्ट डाला था, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें सॉल्ट नहीं डालूँगी। बाद में अगर कम होगा तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी। और ऑयल हमने बहुत कम रखना है इसमें, ज़्यादा ऑयल नहीं रखना है, इसको ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना है, ठीक है। ना इसमें मैं कोई वेजिटेबल्स डाल रही हूँ, ना मैं कुछ डाल रही हूँ। बहुत जल्दी बन जाने की रेसिपी है, और आप ट्राई करेंगे तो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही ये पसंद आएगी। हाँ, मैंने पास्ता को जो है पानी को गर्म करके और नमक और ऑयल डाल के थोड़ा सा मैंने इसको जो है मतलब ये है कि जब पानी गर्म हो गया था तो इसको बॉयल कर लिया। देखिए ये सॉफ्ट हो गई है, ठीक है। तो एक तरफ मैंने मैक्रोनी यानी ये पास्ता जो है इसको बॉयल कर लिया है, और दूसरी तरफ मैंने चिकन को बॉयल करके श्रेडेड कर लिया। अच्छा जी, इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप जो ये है कि ये जो मैंने पास्ता बॉयल करके रखा था ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरीके पे मैं इसको ऐड कर दूँगी, ठीक है। आप नॉन स्टिक कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ तो इसलिए मैंने नॉन स्टिक फ्राई पैन में लिया। और अगर दोनों चीज़ें मतलब नहीं हैं तो आप देखते में भी बना सकते हैं इसको। इसके बाद जो है ये जब मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मैं सॉल्ट और पेपर तो डाल चुकी हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मेयोनीज डालूँगी। देखिए आपके पास जो भी हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैं इसमें थोड़ा सा मेयोनीज डाल रही हूँ, ठीक है। आप किसी कप में बाउल में निकाल के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इतना कौन करे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया, ठीक है। ये डाल दिया जी, और इसको अब मैं करूँगी मिक्स। बहुत जल्दी बन जाएगा, आपको कोई भी इसमें लवाजमात की ज़रूरत नहीं है कि आप सब्ज़ियाँ डालें या कुछ नहीं। बस आपने चिकन को बॉयल करना है और ये फटाफट इंस्टेंट तैयार होने वाली रेसिपी है। ये मैंने कलरफुल इसलिए ली है कि ज़रा बच्चों को अट्रैक्ट करती है, और बच्चे शौक से खा लेते हैं, बड़े भी खाते हैं, लेकिन बच्चों को अगर कुछ पसंद नहीं होता तो वो ये खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो है ये हर्ब्स हैं मिक्स, ठीक है। तो ये मैं इसमें थोड़े से डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा, बस ये कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। और उसके बाद ये मैंने क्रीम ऐड करनी है इस पर। ये देखिए यहाँ ये मैंने क्रीम ऐड कर दी है। तो आप देखा आपने कितनी जल्दी ये बन गया है। ये तो आप लोग कोई बड़े साइज़ का पैन कढ़ाई ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि मैंने थोड़ा सा ये बनाया है, लेकिन फिर भी जो है ना वो साइडों से देखें, ये देखें। और ये इसमें दो ही चीज़ें गई हैं, एक मेयोनीज गया है और क्या गया है, क्रीम गई है। और उसके बाद ये है कि अगर थोड़ा सा आप लोग स्पाइसी खाते हैं ना, तो आप लोग स्पाइसी खाते हैं तो इसमें चिली फ्लेक्स डाल लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल ये सादा बनाया है, क्रीमी बनाया है, यानी कि ये बहुत छोटे बच्चे भी खा सकते हैं, इतने छोटे भी नहीं लेकिन खा सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है ये तैयार हो चुका है, आप लोग देख लें, ये देखें। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी कितनी जल्दी बन गया है, समझ लें ये 2 मिनट है, 2 मिनट में ये पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये डन हो चुका है। तो ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ, आप किसी भी बॉल या डिश में डाल लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा ये आपको, माशाल्लाह से बेहतरीन बन के तैयार हुआ है और इंस्टेंट 2 मिनट रेसिपी है ये। ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता डाल रही हूँ क्योंकि डिश मेरी है छोटी तो ये गिर ना जाए। ये देखें जी, ये डाल दिया मैंने पूरा इसमें, ठीक है डाल दिया, बस चले इसको इतना बचा लेते हैं और ये मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है वो 2 मिनट पास्ता बनके तैयार हो चुका है, तो आप लोग इसको बनाइए। और मैंने बहुत सिंपल तरीके पे आप लोगों को ये सिखाया है, ज़रूरी नहीं है कि हम वाइट सॉस ही बनाएं, हम क्रीम से भी बना सकते हैं, मेयोनीज से भी बना सकते हैं और बहुत जल्दी बना सकते हैं। बस आपको जो टाइम लगेगा वो सिर्फ आपको चिकन बॉयल करनी है, 15 मिनट्स में हो जाएगी और ये पास्ता रेडी करना होगा, बाकी फटाफट ये बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला भी मैं ब्लॉग अपनी कुकिंग से रिलेटेड ही बनाऊंगी, तो जब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मैं आपको उसकी ये लुक दिखाती हूँ, देखिए। ठीक है, तो जब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।